के नगरीय निकाय और जनपद चुनाव में करारी शिकस्त झेल चुकी कांग्रेस ने जिला पंचायत में जोरदार वापसी की है और 11 में से महज 3 सीट जीतकर भी कांग्रेस ने यहां पूरी बाजी पलट दी। कांग्रेस न केवल अपने अध्यक्ष बनाने में कामयाब रही बल्कि उपाध्यक्ष भी बना लिया, वो भी उस स्थिति में जब अध्यक्ष के लिए कांग्रेस के ही दो सदस्यों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा। अध्यक्ष की दौड़ में शामिल कांग्रेस सदस्यों ने गजब का जोर तोड़ करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी अपने पाले में कर ली। वही भाजपा 4 सीट जीतने के बाद भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाना तो दूर, दोनों पदों के लिए चुनाव तक नहीं लड़ सके। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति नीरज ठाकुर, उपाध्यक्ष संजय नेताम ने बीजेपी को सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हुए जले पर नमक भी छिड़क दिया है। उनका भी रहा बिल्कुल सहयोग रहा, निर्दलीय का भी रहा, बीजेपी का भी रहा, सभी लोगों का सहयोग रहा और हमको मिल के काम करना है, सबके साथ मिल के काम करना है, 5 साल अच्छे से काम करना है। मेहनत थोड़ा सा लगी सर, और हमारे निर्दलीयों का भी अच्छा सहयोग मिला और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी सहयोग मिला और सारे सदस्यों का अच्छा से सहयोग मिला, तभी जाकर के आज हम गरियाबंद जिला पंचायत जीतने में हम लोग यहाँ पे महारत हासिल किए हैं। मियाँ तो नहीं है, संगठन का निर्देश के अनुसार ये है कि जिसके पास बहुमत है हम उसी को अधिकृत नहीं करेंगे, जीत के आएगा उसके बाद हमारा है वो दोनों। इस प्रकार से हमको संगठन से निर्देश मिला है, इस कारण से हम लोग अधिकृत नहीं किए हैं और कमियां नहीं है। जिला प्रभारी रहे हैं और मुझे परीक्षक बना के भेजा गया है। हम दोनों का बड़ा प्रयास था कि कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी भी सहमति बन जाए, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। लेकिन इसके बावजूद हमें इस बात की प्रसन्नता है कि दोनों के बीच भी यदि प्रतिस्पर्धा है तो कांग्रेस पार्टी का ही प्रत्याशी विजयी होगा। नीमच जिले की